हेलो, मैं हूं अव्वल। आपने इंग्लिश का एक वर्ड जरूर सुना होगा, फुल। फुल मतलब पूरा। पूरा चांद, फुल मून। पूरा नाम, फुल नेम। पूरा वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम। और यहां तक कि जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो फुल स्क्रीन कर लेते हो। पर कई बार रेस्टोरेंट्स के बाहर या होटल्स के बाहर लिखा होता है फुली एसी या फुली एयर कंडीशन्ड। प्रॉपर्टी के एड्स में लिखा होता है फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। और कुछ वॉशिंग मशीन्स भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहते हैं। कभी आपने सोचा कि इन सब में फुल के साथ ली क्यों लगा दिया, यानी फुल को फुली क्यों बना दिया? आज हम ऐसे बहुत से वर्ड्स देखने वाले हैं जिनके एंड में ली लगाने से उनका मतलब हल्का सा बदल जाता है। सो पहले मैं आपको सिंपल वर्ड बताऊंगा, उसका मीनिंग समझाऊंगा, और फिर उसके एंड में ली लगाने से जो वर्ड बनता है उसका मीनिंग और एग्जांपल्स भी बताता जाऊंगा। सो ये हुआ कम टाइम में ज्यादा वर्ड सीखने का तरीका। एक बात का ध्यान रखना कि वर्ड के एंड में ली लगाने पे कई बार स्पेलिंग बदल भी सकते हैं। जैसे कि फुल के एंड में ली लगाने पे तीन एल नहीं हो जाते, दो ही रहते हैं। सो साथ साथ स्पेलिंग पर नजर जरूर रखना। तो चलिए शुरू करते हैं उसी वर्ड के साथ जो हमने सबसे पहले देखा था, फुल। जब फुल के साथ ली लगा दिया जाता है यानी उसे फुली बना दिया जाता है तो उसका मतलब होता है पूरी तरह से। फुल का मतलब पूरा और फुली का मतलब पूरी तरह से। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? What is your full name? क्या तुम्हारा फोन पूरी तरह से चार्ज्ड है? Is your phone fully charged? कई बार हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं, क्या तुम्हारा फोन पूरा चार्ज्ड है? अब यहां हमने कहा पूरा, पर कहने का मतलब था पूरी तरह से। सो यहां इंग्लिश में कहते हुए हम यही कहेंगे, Is your phone fully charged? सो आपने मतलब के मुताबिक वर्ड यूज करना है, ना कि ट्रांसलेशन के मुताबिक। एक्सीडेंट के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। आई हैव फुली रिकवर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। सीरियस मतलब गंभीर, संजीदा। ये एक संजीदा मसला है। दिस इज अ सीरियस मैटर। उसकी हालत बहुत गंभीर है। हिज कंडीशन इज वेरी सीरियस। सीरियसली मतलब गंभीरता से, संजीदगी से। तुम्हें अपने काम को गंभीरता से लेना चाहिए। यू शुड टेक योर वर्क सीरियसली। वो गंभीरता से पढ़ाई नहीं कर रहा। ही इज नॉट स्टडिंग सीरियसली। नेक्स्ट वर्ड स्मूथ मतलब बराबर, सपाट या कोमल। इस टेबल की सतह सपाट है। दिस टेबल हैज अ स्मूथ सरफेस। अच्छा खाना हमारी त्वचा को कोमल रखता है। A healthy diet keeps our skin smooth. Smoothly, यानी कोमलता से, सपाट तरीके से। बैट्समैन ने सपाट तरीके से शॉट खेला। The batsman played the shot smoothly. इस शहर में ट्रैफिक सपाट तरीके से चलती है। The traffic moves smoothly in this city. Next word, honest, यानी ईमानदार। सरकार अपने काम में ईमानदार होनी चाहिए। The government should be honest in its work. मैं एक ईमानदार इंसान हूं। I am an honest person. Honestly, यानी ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। If you work honestly, you will be successful. वो ईमानदारी से काम करता है। He works honestly. नेक्स्ट वर्ड केयरफुल यानी सावधान, फिक्रमंद। सावधान रहो, बी केयरफुल। लोग आजकल अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं। पीपल आर केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ दीज डेज। केयरफुली यानी सावधानी से, ध्यान से। ध्यान से ड्राइव करना, ड्राइव केयरफुली। सड़क को ध्यान से पार करना, क्रॉस द रोड केयरफुली। नेक्स्ट वर्ड मेन यानी मुख्य, खास। इंडिया में घूमने के लिए खास जगह कौन सी हैं? विच आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन इंडिया? हमारा घर शहर की मेन रोड पर ही है। आर हाउस इज ऑन द मेन रोड ऑफ द सिटी। मेनली
यानी मुख्य रूप से खास तौर पे। इंडिया मुख्य रूप से एक एग्रीकल्चरल लैंड है। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल लैंड। मेरी कंपनी खास तौर पर मोबाइल फोन के लिए एप्स बनाती है। माय कंपनी मेनली डेवलप्स एप्स फॉर मोबाइल फोन। नेक्स्ट वर्ड क्विक यानी तेज। अमीर बनने के तेज रास्ते कौन से हैं? व्हाट आर द क्विक वेज टू बिकम रिच? वो नया काम सीखने में तेज था। ही वॉज क्विक इन लर्निंग न्यू स्किल्स। क्विकली मतलब तेजी से। अपना होमवर्क तेजी से खत्म कर लो। फिनिश योर होमवर्क क्विकली। क्या तुम तेजी से ये पजल सुलझा सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस पजल क्विकली? नेक्स्ट वर्ड रीसेंट। रीसेंट मतलब ताजा, हाल ही का। मेरी ये फोटोज हाल ही की हैं। दीज आर माय रीसेंट फोटोज। ये खबर कितनी ताजी है? हाउ रीसेंट इज दिस न्यूज? रीसेंटली मतलब हाल ही में, थोड़ी ही देर पहले। मुझे हाल ही में उसके एक्सीडेंट की खबर मिली। आई रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट हिज एक्सीडेंट। मैं हाल ही में उससे मिला हूं। आई हैव रिसेंटली मेट हिम। नेक्स्ट वर्ड घोस्ट यानी भूत। क्या भूत भूत कुछ होते हैं? इज देयर एनीथिंग सच एज घोस्ट्स? मुझे भूतों से डर नहीं लगता। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स। घोस्टली यानी भूतों वाला या भूतों जैसा। ये घर भूतों वाला लगता है। दिस हाउस लुक्स घोस्टली। उसकी शक्ल भूतों जैसी है। ही हैज अ घोस्टली फेस। नेक्स्ट वर्ड पेशेंट। पेशेंट का एक मतलब है मरीज और दूसरा मतलब होता है सब्र रखने वाला, धैर्य रखने वाला। पेशेंट वर्ड आया है पेशेंस से और पेशेंस का मतलब होता है सब्र, धैर्य। सब्र रखो, बी पेशेंट। हमें बच्चों के साथ सब्र रखना पड़ता है। वी हैव टू बी पेशेंट विद किड्स। पेशेंटली यानी सब्र से, धैर्य से। अपना काम सब्र से करो ताकि गलती ना हो। डू योर वर्क पेशेंटली सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक। ट्रेन लेट थी पर मैंने सब्र से उसका इंतजार किया। द ट्रेन वॉज लेट बट आई वेटेड फॉर इट पेशेंटली। नेक्स्ट वर्ड गर्ल यानी लड़की। सिया एक समझदार लड़की है। सिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वो लड़की कितनी लंबी है? दैट गर्ल इज सो टॉल। गर्ली यानी लड़कियों वाला। पिंक लड़कियों वाला रंग है पर ये सब पर जचता है। पिंक इज अ गर्ली कलर बट इट सूट्स एवरीवन। ये हेयर स्टाइल लड़कियों वाला है। दिस इज अ गर्ली हेयर स्टाइल। नेक्स्ट वर्ड शार्प यानी तेज, तीखा, नोकीला। ये चाकू तेज है। दिस इज अ शार्प नाइफ। अमन की याददाश्त बहुत तेज है। अमन हैज अ शार्प मेमोरी। शार्पली यानी तीखे अंदाज में, तेज तरार तरीके से। जनता ने नए कानून की तीखी आलोचना की। द पब्लिक शार्पली क्रिटिसाइज्ड द न्यू लॉ। कार ने तेज तरार तरीके से मोड़ काटा। द कार टर्न्ड शार्पली एट द क्रॉसिंग। नेक्स्ट वर्ड रूड यानी रूखा, बदतमीज। वो एक रूखा इंसान है। ही इज अ रूड पर्सन। तुम्हारा रवैया बहुत रूखा है। योर बिहेवियर इज वेरी रूड। रूडली यानी बदतमीजी से, रूखेपन से। हमें किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। वी shouldn't टॉक टू anyone rudely. तुम इतने रूखेपन से क्यों बात कर रहे हो? Why आर यू talking सो rudely? नेक्स्ट वर्ड नॉर्मल यानी मामूली, साधारण। सरदर्द होना एक मामूली बात है इसलिए चिंता मत करो। इट इज नॉर्मल टू हैव अ हेडेक सो डोंट वरी। इतना काम करने पे थकावट होना मामूली बात है।
It is normal to feel tired when you work so hard. Normally, यानी मामूली तौर पे, साधारण तरीके से. मामूली तौर पे मैं बहुत कम खाता हूँ. Normally, I eat very less. मुझे मामूली तौर पे घर का खाना अच्छा लगता है. I normally like homemade food. Next word, anonymous. Anonymous मतलब गुमनाम, बेनाम. ये लेटर किसी गुमनाम इंसान ने भेजा है. Some anonymous person has sent this letter. मुझे कुछ दिनों से गुमनाम फोन कॉल्स आ रहे हैं. I am getting anonymous phone calls lately. Anonymously, यानी गुमनाम तरीके से नाम छुपाकर. आप नाम छुपाकर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो. You can anonymously file a complaint in any government department. उसकी मदद करने के लिए मैंने गुमनाम तरीके से उसे पैसे भिजवा दिए. I sent him money anonymously to help him. बाकी के वर्ड्स देखते हैं थोड़ा सा पानी पीने के बाद. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. नेक्स्ट वर्ड टेम्पररी, यानी अस्थाई, कुछ ही देर का. मेरा टैटू कुछ ही देर का है. माय टैटू इज टेम्पररी. अभी के लिए मुझे कार का टेम्पररी नंबर मिल गया है. फॉर नाउ आई हैव गॉट अ टेम्पररी नंबर फॉर द कार. टेम्पररीली यानी अस्थाई रूप से, कुछ देर के लिए. हमारा वाईफाई कनेक्शन कुछ देर के लिए बंद है. Our Wi-Fi connection is temporarily out of service. ये सड़क कुछ दिनों के लिए बंद है. This road is temporarily closed. Next word, comfortable, यानी आरामदायक, सुखद. मेरी ड्रेस बहुत आरामदायक है. My dress is very comfortable. ये बेड बहुत ही आरामदायक है. This bed is very comfortable. Comfortably, यानी आराम से. हम चार के चार लोग आराम से इस कमरे में सो सकते हैं. All four of us can comfortably sleep in this room. मैं आराम से चार पराठे खा सकता हूँ. I can comfortably eat four parathas. Next word, fortunate, मतलब खुशकिस्मत, भाग्यशाली. मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम हो. I am fortunate to have you in my life. मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे दोनों ही बच्चे इतने समझदार हैं. I am fortunate that both my kids are so intelligent. Fortunately, यानी खुशकिस्मती से. खुशकिस्मती से मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे बहुत ट्रेवल करने को मिला. Fortunately, I had such a job that I traveled a lot. खुशकिस्मती से मैं एक्सीडेंट से बच गया. Fortunately, I escaped the accident. Next word, unfortunate, यानी बदकिस्मत, दुर्भाग्य. जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो दुर्भाग्य की बात है. Whatever happened with you is unfortunate. ये दुर्भाग्य की बात है कि वो इस साल भी फेल हो गया. It is unfortunate that he failed this year too. Unfortunately, यानी बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से. बदकिस्मती से बर्फ पड़ने के कारण आज हाईवे बंद है. Unfortunately, the highway is closed today due to snowfall. बदकिस्मती से उसका US वीजा नहीं लग पाया. Unfortunately, he couldn't get a US visa. Next word, mutual, यानी दो तरफी, आपसी. ये उनका आपसी फैसला है. It is their mutual decision. हमने आपसी रजामंदी से शादी की है. We have married with a mutual consent. Mutually, यानी आपस में, दो तरफी तरीके से. हमने आपस में तय कर लिया है कि आज हम बाहर खाएंगे. We have mutually decided that we will eat out today. दोनों परिवारों ने आपस में शादी की डेट तय कर ली है.
both the families have mutually decided the date of marriage. Next word, open, yani khula. Darwaza khula hai. The door is open. Aaj mall khula hai. The mall is open today. Openly, yani khule aam sabke samne. Usne khule aam rishwat li. He took the bribe openly. Usne sabke samne apne pyar ka izhar kiya. He confessed his love openly. Next word, secret, yani raaz. Ye raaz hamare beech mein hi rehna chahiye. This secret should remain between us. Tumhare lambe baalon ka raaz kya hai? What is the secret of your long hair? Secretly, yani gupt roop se chori chhipe. Un dono ne chori chhipe shaadi kar li. They secretly got married. Humne chori chhipe uske birthday ke liye ek surprise plan kiya hai. We have secretly planned a surprise for his birthday. Next word, slow. Matlab dheere ya dheema. Aajkal business dheere chal raha hai. The business is slow these days. Wo har kaam mein bahut dheema hai. He is very slow in everything. Slowly, yani dheere se. Dheere se khana khao. Eat slowly. धीरे से अपने लेफ्ट को मुड़ जाओ. Slowly turn towards your left. Next word, horizontal, यानी आड़ा, लेटी हुई पोजीशन में. एक आड़ी लाइन ड्रॉ करो. Draw a horizontal line. Ship आड़ी डायरेक्शन में चलती है. A ship sails in horizontal direction. Horizontally, यानी आड़ी तरह से या आड़ा करके. बुक को आड़ा करके रख दो. कीप द बुक हॉरिजॉन्टली. मैंने बॉक्स को आड़ा करके रख दिया. आई केप्ट द बॉक्स हॉरिजॉन्टली. नेक्स्ट वर्ड, वर्टिकल. वर्टिकल मतलब सीधा, यानी खड़ी पोजीशन में. एक ऊपर से नीचे को लाइन ड्रॉ करो. ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है. अ रॉकेट गोज इन वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकली यानी खड़ी डायरेक्शन में खड़ा करके. बुक को शेल्फ पर खड़ी करके रख दो. कीप द बुक वर्टिकली ऑन द शेल्फ. बॉटल को फ्रिज में खड़ी करके रख दो. कीप द बॉटल वर्टिकली इन द फ्रिज. नेक्स्ट वर्ड, सेपरेट यानी अलग. ये दो अलग मसले हैं. दीज आर टू सेपरेट इश्यूज. ऑफिस में स्मोकिंग के लिए अलग कमरा है. देयर इज अ सेपरेट रूम फॉर स्मोकिंग इन द ऑफिस. सेपरेटली यानी अलग अलग करके या अलग अलग होकर. वो अब अलग होकर रहते हैं. दे नाउ लिव सेपरेटली. इन दोनों सब्जियों को अलग अलग करके काटो. कट दीज टू वेजिटेबल्स सेपरेटली. नेक्स्ट वर्ड, सक्सेसफुल यानी कामयाब. वो एक कामयाब इंसान है. ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन. मैं अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन माई बिजनेस. सक्सेसफुली यानी कामयाबी से, कामयाबी के साथ. इंडिया ने कामयाबी से नई मिसाइल टेस्ट कर ली है. इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू मिसाइल. मैंने कामयाबी से अपनी MBA पूरी कर ली है. I have successfully completed my MBA. Next word, time, यानी वक्त, समय. क्या वक्त हुआ है? What's the time? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है. You don't have time for me. Timely, यानी वक्त पर, समय पर. अपनी दवाइयों को समय पर लेते रहना. Keep taking your medicines timely. अपना syllabus time पर खत्म कर लो. Finish your syllabus timely. Next word, actual, यानी असल, वास्तविक. इस word का असल मतलब क्या है? What is the actual meaning of this word? Accident का असल कारण क्या है? What is the actual reason of the accident?
एक्चुअली यानी असल में, वास्तव में, क्या असल में ऐसा हुआ था? डिड दैट एक्चुअली हैपन? असल में मुझे टेनिस के बारे में कुछ नहीं पता. एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टेनिस. नेक्स्ट वर्ड, ब्यूटिफुल यानी खूबसूरत. क्या खूबसूरत दिन है. What a beautiful day. वो खूबसूरत है. She is beautiful. Beautifully यानी खूबसूरती से. उसने कमरे को खूबसूरती से सजा दिया. She decorated the room beautifully. बैट्समैन ने खूबसूरती से चौका मारा. द बैट्समैन हिट द फोर ब्यूटिफुली. थोड़ा और पानी पीता हूं और मिलता हूं एक ब्रेक के बाद. नेक्स्ट वर्ड, इजी यानी आसान. एग्जाम आसान था. द एग्जाम वॉज ईजी. ये एक्सरसाइज बहुत आसान है. दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी. इजीली यानी आसानी से. मैं आसानी से दो पिज्जा खा सकता हूं. I can easily eat two pizzas. उसको आसानी से कामयाबी मिल गई. He got success easily. Next word, direct यानी सीधा. दवाइयों को सीधा धूप में मत रखो. Don't keep the medicines in direct sunlight. क्या दिल्ली से मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट है? Is there a direct flight from Delhi to Mumbai? Directly मतलब सीधे ही, सीधे तरीके से. मैं सीधे ही उससे बात कर लूंगा. I will directly talk to her. मैं यहां से सीधे ही घर जा रहा हूं. I am going home directly from here. Next word, common यानी आम. इस शहर में बारिशें बहुत आम हैं. Rains are very common in this city. नया बजट आम इंसान के लिए अच्छा है. The new budget is good for the common man. Commonly यानी आम तौर पर. English दुनिया में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली भाषा है. English is a commonly used language in the world. वो कौन से words हैं जो English में आम तौर पर बोले जाते हैं? What are the commonly used words in English? Next word, blind यानी अंधा. प्यार अंधा होता है. लव इज ब्लाइंड. क्या वो देख नहीं सकता? इज ही ब्लाइंड? ब्लाइंडली यानी बिना देखे अंधाधुंध. आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई. द टेररिस्ट्स फायर्ड ब्लाइंडली. किसी भी खबर पे आंखें बंद करके विश्वास मत करो. डोंट बिलीव इन एनी न्यूज ब्लाइंडली. नेक्स्ट वर्ड, करेक्ट यानी सही. ये सेंटेंस सही है. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. तुम्हें कैसे पता कि तुम सही हो? हाउ डू यू नो यू आर करेक्ट? करेक्टली यानी सही तरीके से. अपने नाम को सही तरीके से लिखो. राइट योर नेम करेक्टली. इस वर्ड को सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड करेक्टली? इंटेंशन यानी नियत, इरादा. तुम्हारा इरादा क्या है? What is your intention? उसके इरादे खराब हैं. He has wrong intentions. Intentionally यानी इरादे से किया गया, जानबूझकर किया गया. तुमने मुझे जानबूझकर मारा. You hit me intentionally. मैं इरादे से ही अपना फोन घर छोड़ाया. I intentionally left my phone at home. नेक्स्ट वर्ड, क्वाइट यानी शांत, चुपचाप. शांत हो जाओ, बी क्वाइट. वो एक चुपचाप लड़का है. ही इज अ क्वाइट बॉय. क्वाइटली यानी शांति से, चुपचाप तरीके से. चुपचाप से रूम में जाना. गो इन टू द रूम क्वाइटली. वो चुपचाप से क्लास से खिसक गया. He quietly slipped out of the class. Next word, sudden, यानी अचानक.
रात को अचानक एक आवाज हुई, देयर वॉज अ सडन नॉइज एट नाइट। एक्टर की अचानक हुई मौत का सब शोक मना रहे हैं। एवरीवन इज मॉर्निंग द एक्टर्स सडन डेथ। सडनली यानी अचानक से, मौसम अचानक से बदल गया है। द वेदर हैज चेंज्ड सडनली। अचानक से ही उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। सडनली ही स्टॉप टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट वर्ड फाइनल यानी आखिरी अंतिम। ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? फाइनली मतलब आखिरकार। आखिरकार मुझे MBBS डिग्री मिल गई। फाइनली आई गॉट एन MBBS डिग्री। आखिरकार हम गोवा जा रहे हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू गोवा। नेक्स्ट वर्ड क्लियर यानी साफ स्पष्ट। गंदगी साफ करो, क्लियर द मेस। टेबल से सामान उठा लो, प्लीज क्लियर द टेबल। क्लियरली यानी साफ तौर पे, स्पष्ट रूप से। साफ तौर पे युवराज ही मैन ऑफ द मैच है। क्लियरली युवराज इज द मैन ऑफ द मैच। एग्जाम में हर वर्ड को स्पष्ट रूप से लिखो। राइट ईच एंड एवरी वर्ड क्लियरली इन द एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड बैड यानी बुरा। मुझे बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड। वो बुरी संगत में है। He is in bad company. Badly, यानी बुरी तरह से। वो एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई थी। She was badly injured in the accident. वो बुरी तरह से पेश आया। He behaved badly. Next word, friend, यानी दोस्त। वो मेरा दोस्त है। He is my friend. क्या वो तुम्हारा दोस्त है? Is he your friend? फ्रेंडली यानी दोस्ती वाला या दोस्ती भरा। इंडिया और पाकिस्तान ने दोस्ती वाला क्रिकेट मैच खेला। इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच। वो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ दोस्ती भरा पेश आता है। ही इज फ्रेंडली विद ऑल हिज क्लासमेट्स। नेक्स्ट वर्ड पार्ट यानी हिस्सा। क्या ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है? Is this a part of our syllabus? मुझे मूवी का आखिरी हिस्सा पसंद नहीं आया। I didn't like the last part of the movie. Partly, यानी कुछ हद तक, कुछ हिस्से में, पर पूरा नहीं। आसमान में कहीं कहीं बादल हैं। The sky is partly cloudy. तुम्हारा जवाब कुछ हद तक सही है। Your answer is partly correct. नेक्स्ट वर्ड मोस्ट यानी सबसे ज्यादा। सब फ्लेवर्स में से चॉकलेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ऑफ ऑल द फ्लेवर्स आई लाइक चॉकलेट द मोस्ट। हमारी क्लास की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कौन है? हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ आर क्लास? मोस्टली मतलब ज्यादातर, अधिकतर। मैं ज्यादातर घर पे ही होता हूं। I am mostly at home. हम ज्यादातर चिकन बाहर से ही मंगवाते हैं। We mostly order chicken from outside. आप समझ ही गए होंगे, यह है मेरी पानी ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड नाइस मतलब अच्छा। वो एक अच्छा इंसान है। He is a nice person. वो एक अच्छी मूवी थी। That was a nice movie. Nicely मतलब अच्छी तरह से। उसने मुझसे अच्छी तरह से बात की। He spoke with me nicely. होटल का स्टाफ हमसे अच्छे से पेश आया। The hotel staff behaved nicely with us. Next word soft यानी मुलायम, नर्म। उसके हाथ कितने मुलायम हैं। Her hands are so soft. मुझे नर्म बेड पर सोना पसंद है। आई लाइक टू स्लीप ऑन अ सॉफ्ट बेड। सॉफ्टली यानी नरमी से, हल्के से। बच्चों से नरमी से बात करो। स्पीक सॉफ्टली विद किड्स।
उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ा. He softly held her hand. Next word, strong, यानी ताकतवर, हिम्मत वाला, मजबूत. मजबूत बने रहो, stay strong. वो एक हिम्मत वाली लड़की है, she is a strong girl. Strongly मतलब जोरदार तरीके से, मजबूती से. मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं, I strongly disagree with him. मैं इस आइसक्रीम की जोरदार सिफारिश करता हूं, I strongly recommend this ice cream. Next word, kind, मतलब दयालु, मेहरबान. दयालु बनो, be kind. तुम कितने दयालु हो, you are so kind. Kindly, मतलब दया करके, मेहरबानी करके. मेहरबानी करके वक्त पर पहुंच जाएं. Kindly reach on time. मेहरबानी करके मेरी बात पर ध्यान दें. Kindly pay attention to me. Next word, love, मतलब प्यार. मैं तुमसे प्यार नहीं करता. I don't love you. मुझे पालतू जानवर पसंद हैं. I love pets. Lovely, मतलब प्यारा. ये हेयर बैंड तुम पर प्यारा लग रहा है. This hair band looks lovely on you. आज मौसम बहुत प्यारा है. The weather is lovely today. Next word, loud, मतलब ऊंची आवाज, तेज आवाज. मुझे किचन में से एक तेज आवाज सुनाई दी. I heard a loud noise from the kitchen. ये डीजे बहुत ऊंचा म्यूजिक बजाता है. This DJ plays very loud music. Loudly मतलब ऊंची आवाज में. कौन इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है? Who is talking so loudly? ऊंची आवाज में बोलो. Speak loudly. इस वीडियो को देखने के बाद अब जब आप इस तरह के वर्ड्स पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपके लिए इन वर्ड्स को समझना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा. और आप इस तरह के नए वर्ड्स भी इजीली सीख पाओगे, आसानी से सीख पाओगे. और सीखते सीखते आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे और इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे. मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.